शहडोल में मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए भारतीय मजदूर संघ BMS ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में मजदूरों के शोषण और न्यूनतम मजदूरी के खिलाफ BMS संघ अध्यक्ष ने कहा कि BMS 22 फरवरी को जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है और यदि इतने से भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी 7 मार्च को प्रदेश मुख्यालय भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा। BMS प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार लगातार मजदूरों की समस्याओं का अनसुनी करती आ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा थी कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी उनका हक मिले, लेकिन प्रदेश में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण हो रहा है। ऐसे में सरकार संज्ञान ले और समस्या का जल्द समाधान भी करे। BMS संघ अध्यक्ष ने कहा कि मजदूरों के शोषण और न्यूनतम मजदूरी के खिलाफ BMS 22 फरवरी को जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है और यदि इतने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगामी 7 मार्च को प्रदेश मुख्यालय भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने अपने पदाधिकारी बैठक में निर्णय करके और पूरे प्रदेश के असंख्य मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो मजदूर निजी क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे स्कीम वर्कर्स हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी हो, तमाम समस्याओं को लेकर समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष विषय रखने के बाद भी समाधान नहीं मिलने से हमने 2 चरण में चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय किया है। 22 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर के माध्यम से अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 7 मार्च को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महा धरना आंदोलन करके और पुनः प्रदेश की सरकार के सामने इन समस्याओं पे ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसकी अगली कड़ी में भी और उग्र आंदोलन करने की तैयारी भारतीय मजदूर संघ ने किया है और निश्चित रूप से मैं इस माध्यम से अपने प्रदेश के मुखिया से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो बेलगाम नौकरशाही है उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जो भाजपा का अंत्योदय की का थीसिस है, जो अंत्योदय का विचार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, उस विचारों को भंग करने का और अंतिम व्यक्ति तक जो सहयोग और सहायता मिलना चाहिए, मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए वो भी नसीब नहीं हो रहा है, उसके कारण प्रदेश की सरकार की छवि निश्चित रूप से खराब हो रही है। मजदूरों में व्यापक असंतोष है, उसी को आवाज़ देने का काम जो है भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। हम चाहते हैं कि उनका समस्याओं का समाधान निश्चित अवधि में हो। धन्यवाद। संजय सिंह, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश। खर मध्य प्रदेश के लिए शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।